तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 के शुरुआत के 4 एपिसोड्स की वो डिटेल्स बताने वाला हूँ जिनको शायद तुमने उन एपिसोड्स को देखते हुए मिस कर दी होंगी। बाय द वे, इन एपिसोड्स का रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ। अब हाँ, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोलोगे कि भाई तूने तो 5 एपिसोड्स का रिव्यू किया है तो फिर डिटेल सिर्फ 4 एपिसोड्स की क्यों बता रहा है। तो हाँ, मैंने 5 एपिसोड्स का रिव्यू किया तो है, लेकिन परमानेंट रिटायरमेंट वाले एपिसोड में मुझे कोई बताने लायक डिटेल मिली ही नहीं, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। पर मेरी मानो तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मजा तुम्हें फिर भी पूरा ही मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। डिटेल नंबर 1, एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें बेन के 2 क्लासमेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि बेन की क्लास के बुलीज भी होते हैं, जिनका नाम होता है कैश और जेटी, जिसमें से अगर आप कैश पे ध्यान दो तो उसका तो नाम ही कैश है और उसकी टी शर्ट पे भी एक कैश रजिस्टर मशीन बनी होती है। और इस सीन में वो एक बच्चे को बुली कर रहा होता है और उससे कैश ही मांग रहा होता है। डिटेल नंबर 2, तो ग्रैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट के नंबर प्लेट पर अगर आप गौर करोगे तो आपको उस पे एक अजीब सा नंबर दिखाई देगा, जो कि कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि असल में वो डीसी के शज़ाम का रेफरेंस है। और तो और, बेंटेन में शज़ाम के और भी कुछ रेफरेंसेस हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप मेरे शॉर्ट्स चैनल फेंटेन के शॉर्ट्स को फॉलो करते होगे तो शायद आपको इनके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप मेरे शॉर्ट्स चैनल को फॉलो नहीं करते या फिर आपको इन रेफरेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वही वाला शॉट यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। बेन टेनिसन के ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन की जो गाड़ी है, जिसे हम रस्ट बकेट के नाम से जानते हैं, और अगर हम उसकी नंबर प्लेट पर एक नजर डालें तो उस पे लिखा हुआ है S81Z1M, और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें मौजूद नंबर्स को अल्फाबेट से रिप्लेस करें तो जो शब्द बनेगा वो है SHAZAM, शज़ाम, जो कि एक रेफरेंस है 1974 के शज़ाम शो का, क्योंकि इस वाले शो से बेंटेन की ओरिजिनल सीरीज को बनाने की काफी सारी इंस्पिरेशन मिली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लासिक सीरीज के ग्रैंडपा मैक्स के डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रैंडपा मैक्स की शर्ट पे जो पैटर्न्स हैं वो काफी सिमिलर है शज़ाम की केप वाले पैटर्न से, और ग्रैंडपा मैक्स की जो शर्ट का फोल्ड है वो भी एक लाइटनिंग बोल्ट को रिसेम्बल कर रहा है, जो कि अगेन शज़ाम के ही रेफरेंसेस हैं। और हाँ, ये सब मैं बनाकर नहीं कह रहा, बल्कि ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है। डिटेल नंबर 3, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओमनीट्रिक्स की जो ट्यूब्स हैं, जो कि नॉर्मली व्हाइट कलर की होती है, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ग्रीन कलर की ग्लो कर रही है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये हर ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रीन कलर की ग्लो करेंगी, किसी किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ये ट्यूब्स ग्रीन कलर की ग्लो करती है और किसी किसी में ये ट्यूब्स व्हाइट कलर की ही रहती है। बट अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से जब ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट किया जाए और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये ट्यूब्स व्हाइट की जगह ग्रीन कलर की ही ग्लो करनी चाहिए, क्योंकि ये देखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर आपको याद हो तो बेंटेन रेस अगेंस्ट टाइम मूवी के अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। डिटेल नंबर 4, जब डायमंड हेड इस बड़े से रोबोट से लड़ रहा होता है तो ये रोबोट डायमंड हेड पर एक लेजर बीम फायर करता है, जिसके प्रेशर से डायमंड हेड पीछे धकेले जाने पर अपने पैरों से स्पाइक्स को ग्रो करता है ताकि जमीन पे वो ग्रिप बना सके। डिटेल नंबर 5, तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ये जो जलती हुई बिल्डिंग के बिलबोर्ड पे जिस इंसान की फोटो लगी है, ये असल में और किसी की नहीं बल्कि बेंटेन क्लासिक के सीजन 1 और 2 के आर्ट डायरेक्टर डेव जॉनसन की है। और बस यही नहीं, बल्कि डेव जॉनसन का रेफरेंस हमें केविन 11 एपिसोड में एक और बार बिलबोर्ड के रूप में और साइड इफेक्ट्स एपिसोड के अंदर एक कैरेक्टर के रूप में भी मिला था, जहां साइड इफेक्ट्स एपिसोड में दिखाए जाने वाले एक बैंक रॉबर के कैरेक्टर को डेव जॉनसन ने खुद पे ही मॉडल किया था। डिटेल नंबर 6, अब बेन के पीछे ये जो क्राउड में एक बंदा खड़ा है, उसकी जैकेट देखने में बेंटेन एलियन फोर्स वाले बेन की जैकेट से थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है, और अगले ही शॉट में जब इस बंदे की जैकेट ही फ्लिप हो जाती है तब तो और भी ज्यादा। डिटेल नंबर 7, जब इस वाले सीन में हीट ब्लास्ट बैंक लुटेरों की गाड़ी पे हमला करता है तो उनकी गाड़ी जाके दीवार से जोर से टकराती है, और यहीं पे अगर आप इनके आगे वाले गाड़ी के शीशों पे ध्यान दो तो पहले तो ये एकदम सही सलामत रहते हैं, लेकिन होने के तुरंत बाद ही इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और उसके बाद ये एकदम शैटर हो जाते हैं। इवन इस सीन के अंदर भी आप टूटे हुए कांच को नोटिस कर सकते हो। अब हाँ, ये वैसे कोई बहुत बड़ी डिटेल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस सीन को बहुत अच्छे से एनिमेट किया गया था तो इसलिए मुझे ये आपको बताने लायक डिटेल लगी, तो मैंने बता दी। डिटेल नंबर 8, अब इस वाले सीन को पहले तुम देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया।
हिलना मत। ये सब आपके हवाले हैं ऑफिसर्स, जानता हूँ आप सब मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें भी इस पुलिस ऑफिसर की पिस्टल थोड़ी अजीब सी लग रही है तो तुम एकदम सही हो, क्योंकि ये जो पिस्टल है ये किसी नॉर्मल पिस्टल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ये तो किसी एलियन टेक या फिर किसी साइंस फिक्शन मूवी की लेजर गन की तरह लग रही है। पर अगर मजाक से हट के बात करें तो यहाँ पे हमें एक्चुअल पिस्टल क्यों नहीं दिखाई गई, इसका एक रीजन उस टाइम की सेंसरशिप भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि शायद 2005 के टाइम पे सेंसर बोर्ड का ऐसा रूल हुआ करता था कि आप किसी किड्स कार्टून के अंदर एक्चुअल गन्स को नहीं दिखा सकते, पर हाँ लेजर गन्स या फिर कोई ऐसी गन्स जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती उन्हें आप शो के अंदर दिखा सकते हो। और शायद इसी रीजन की वजह से हमें यहाँ इस ऑफिसर के हाथ में एक नॉर्मल पिस्टल की जगह ये अजीब सी पिस्टल दिखाई गई। डिटेल नंबर 9, इस सीन में जब डॉक्टर एनिमो इस मेंढक को पकड़ के म्यूटेट करने लगता है तो इस मेंढक को देख के ऐसा लगता है कि सही में इसे पेन हो रहा है और ये दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अब डिटेल नंबर 10 जो है ना, वो इस वीडियो की मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डिटेल है। तो तुमने ये फोर आर्म्स का अमेजिंग और कूल ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा ही है, जहां बेन पहले पूरा तगड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके दो एक्स्ट्रा हाथ निकल आते हैं, उसके बाद वो ऐसे घूम के पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके हाथों में ग्लव्स वगैरह भी आ जाते हैं। पर अगर तुम इसी ट्रांसफॉर्मेशन को स्लो मोशन में देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो ग्लव्स फोर आर्म्स के हाथों पे अचानक से नहीं आए थे, बल्कि उन ग्लव्स को फोर आर्म्स के हाथों पे धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम जनरेट होते हुए दिखाया गया था। नॉर्मल स्पीड पे इस डिटेल को नोटिस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इवन मैंने भी इसे तभी नोटिस किया जब मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्लो मोशन में देखा। और सच बताऊं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसलिए इस डिटेल को यहाँ पे एड ना भी किया जाता तो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगड़ता। पर क्योंकि इसके बावजूद भी एनिमेटर्स ने इस डिटेल को यहाँ पे एड करने में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, तो इसलिए उनके लिए एप्रिसिएशन तो बनता है, और इसी वजह से ये डिटेल मेरी फेवरेट है। डिटेल नंबर 11, जब डॉक्टर एनिमो इस टीरेक्स के स्केलेटन को जिंदा करता है तो आप नोटिस करना कि सबसे पहले ये टीरेक्स नीचे से जिंदा होना शुरू होता है, मतलब पहले खाल पैरों पे चढ़ती है और उसके बाद ऊपर। एंड जब स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो का ट्रांसमोड्यूलेटर निकाल के फेंक देता है तब भी टीरेक्स नीचे से यानी कि पैरों से ही डिजेनरेट होना शुरू होता है। डिटेल नंबर 12, द क्रैकन एपिसोड के स्टार्टिंग में बेन फोर आर्म्स बन के जिस मॉन्स्टर के रूप में ग्वेन को डरा रहा होता है वो एक्चुअल में मार्वल के मैन थिंग का रेफरेंस था, और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म्ड है। डिटेल नंबर 13, इस सीन के अंदर जब जोना और उसके लोग स्टिंग फ्लाई को देखते हैं तो वो कुछ ये लाइंस बोलते हैं। Is that a bird? Nah, looks like a plane. It's a bug. जो कि एक रेफरेंस था 1952 में आई एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन सीरीज का, जहां इस सीरीज की ओपनिंग में भी कुछ ऐसी ही सिमिलर लाइंस बोली गई थी। Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. डिटेल नंबर 14, बेंटन क्लासिक के पहले ही एपिसोड में जब हमें डायमंड हेड का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था तो वो तो काफी ज्यादा कूल और अमेजिंग था ही, लेकिन जब इसे दूसरी बार दिखाया गया तब इसे रीएनिमेट करके और भी ज्यादा डिटेल्ड और बढ़िया बना दिया गया था। लेकिन इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक छोटी सी डिटेल शायद आपने मिस कर दी होगी वो ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में बेन की स्किन के ऊपर डायरेक्टली डायमंड हेड के क्रिस्टल्स नहीं चढ़ते, बल्कि पहले उन्हीं क्रिस्टल्स से सिमिलर कलर की एक लेयर बेन की स्किन के ऊपर चढ़ती है और उसके बाद डायमंड हेड के क्रिस्टल्स उसके ऊपर चढ़ते हैं, जबकि पहले वाले डायमंड हेड के ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं था। डिटेल नंबर 15, गोस्ट फ्रीक की अपनी आंख को अपनी पूरी बॉडी के थ्रू मूव कराने वाली एबिलिटी तो काफी ज्यादा बढ़िया थी ही, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए एक छोटा सा हिंट भी था कि गोस्ट फ्रीक की स्किन के नीचे भी कुछ राज छुपे हुए हैं, जो कि हमें सीजन 2 के अंदर पता चल भी गए थे कि गोस्ट फ्रीक की एक सेकेंड स्किन भी है, या यूं कहूं कि एक ट्रू फॉर्म भी है। डिटेल नंबर 16, अब वैसे तो ये कोई फनी सीन नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स का रिएक्शन देख के हंसी आ गई। डिटेल नंबर 17, टेट्रैक्स का जो हवरबोर्ड था वो हार्ड लाइट का बना हुआ था, जो कि स्पेशलाइज्ड पेट्रोपियन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। एंड टेट्रैक्स का जो टेलीपोर्टर क्यूब था वो भी एक और एग्जांपल है पेट्रोपियन हार्ड लाइट टेक्नोलॉजी का।
तो यही थे वो सारे डिटेल्स जो कि मुझे इन चार एपिसोड्स के अंदर मिले। इनमें से कितने डिटेल्स आपको पहले से पता थे और कितने अभी पता चले, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मैंने तुम्हें मेरी फेवरेट डिटेल तो बताई ही थी, तो इसलिए तुम अपनी फेवरेट डिटेल भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने में काफी सारी मेहनत और टाइम लगा है, तो इसलिए अभी तक अगर तुमने इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। इससे मुझे आपके लिए और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। और बाकी तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हो।